हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डेटा एंट्री ट्रेनिंग के एक्सरसाइज नंबर 13 में आपका स्वागत है। मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा और आप वहां पे क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सेल पे ये प्रैक्टिस फाइल जो मैं बना रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप डाउनलोड करने के लिए उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट एक्स्ट्रा आवर्स विद वर्किंग आवर्स, यानी कि जो एम्प्लॉई है उसने जितने दिन जॉब किया है उससे उस जॉब में जो वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा जो उसने टाइम मतलब एक तरह से दिया है कंपनी को, वो हम अलग से कैसे निकालें, यानी कि एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कैसे निकालें। चलो समझाने के लिए मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है नॉर्मली, तो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके 8 घंटे, क्लियर। अब 8 घंटे, अब वो एक दिन एक सप्ताह में कितने दिन जॉब करता है, 6 दिन, यानी कि एक दिन की छुट्टी होती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों की संडे को छुट्टी होती है, बहुत सारे लोगों को सैटरडे को छुट्टी होती है, ट्यूसडे को छुट्टी होती है, तो मैंने यहाँ पे वीक डाल दिया कि जो वीक होते हैं वो कितने वीक मतलब कितने वीक जॉब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जो वीक होते हैं वो आपके होते हैं 6, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है। तो अगर मैं इक्वल वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर दूं वीक से, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर, मतलब 8 6 48 या 8 6 48। तो 48 आवर्स आपके नॉर्मली होते हैं मतलब एक तरह से मान लीजिए खर्च जो वहाँ पे आप जॉब में टाइम रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने वहाँ पे ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम को कैसे हम अलग कर सकें इस 48 आवर्स से। तो यहाँ पे है मैक्सिमम आवर्स, पहले हम मैक्सिमम आवर्स निकालेंगे कि मैक्सिमम आवर्स कैसे निकालें जो 48 आवर्स में से टारगेट में से। तो आवर्स में से मतलब जो आवर्स में से टारगेट को निकाल करके जो वैल्यू मतलब बचेगी वो एक्स्ट्रा आवर्स, और इसमें 48 आवर्स से जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम आवर्स। तो मैक्सिमम आवर्स के लिए लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट, उसके बाद लॉजिकल टेक्स्ट में मैंने डाला कि यदि आवर्स बड़ा हो या बराबर हो किससे, इस वाली वैल्यू से। तो i6 को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे F4 दबा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हैं किस इससे वैल्यू, तो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए ये वाली, अन्यथा कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कोटेशन मार्क स्पेस कोटेशन मार्क, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया था कि यदि आवर्स बड़ा हो या बराबर हो 48 से, तो मतलब टारगेट से, तो प्रिंट होना चाहिए ये वाला आवर्स, अन्यथा यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट हो जाए। तो अब मैं जब इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो सभी के आवर्स निकल जाएंगे और बाकी जो आवर्स 48 से जो कम है वो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ गया है, देख रहे होंगे। अब इससे आगे जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्स्ट्रा आवर्स का, कि एक्स्ट्रा आवर्स हम कैसे कैलकुलेट करें। सेम एकदम कंडीशन है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा मतलब और भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू चलाया इक्वल इफ पहले की तरह, कि यदि आवर्स बड़ा हो या बराबर हो 48 आवर्स से, क्लियर, यानी कि टारगेट से, तो वैल्यू आनी चाहिए ये वाली। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया था कॉमा और उसके बाद कोटेशन मार्क लगाया था ऐसे ब्लैंक करने के लिए, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। लेकिन हम यहाँ पे इफ कंडीशन दोबारा लगाते हैं कि यदि लॉजिकल टेक्स्ट में ये वैल्यू छोटी होती है इससे मतलब टारगेट से, तो मैसेज आना चाहिए यहाँ पे कोटेशन मार्क में डाल देते हैं 0, यानी कि आवर्स कॉलन मिनट कॉलन सेकंड, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क और ब्रैकेट 2 बार बंद। अब उसके बाद जब हम इसे एंटर करेंगे तो हमारे पास आवर्स निकल गया। अब यहाँ पे है मैक्सिमम टोटल आवर्स 56, टारगेट है 48, मतलब आवर्स था आपका 56 और यहाँ पे जो टारगेट है वो है हमारा 48। अगर मैं इक्वल 56 से माइनस कर देता हूँ 48 को,
तो आपके पास 8 आवर्स मिलते हैं, जो 8 आवर्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो दोबारा एक बार देखते हैं, इक्वल इफ, यदि वैल्यू मतलब यदि आवर्स बड़ा हो या बराबर हो, क्लियर, किससे, टारगेट से, तो आना चाहिए मैसेज में ये वाला आवर्स। फिर उसके बाद कॉमा लगाया हमने यहाँ पे, फिर इफ कंडीशन दोबारा लगाया कि यदि ये आवर्स छोटा होता है सपोज डेट इससे, तो मैसेज में आना चाहिए यहाँ पे आपका आवर्स जीरो में, मिनट जीरो में और सेकंड भी जीरो में। उसके बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के दो बार ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आंसर आ गया। लेकिन जब हम इसे नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे गड़बड़ आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला सेल था I6, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी बैक करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए I6 की जगह I8 आ गया, I6 सेल की जगह I8 सेल यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस सेल को हम लॉक कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ I6 था, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, जहाँ जहाँ ये I6 है टारगेट वाला, इसे सेलेक्ट करके हम F4 दबा देते हैं I6 वाले को। उसके बाद F4 दबाने के बाद एंटर करते हैं। अब इसे अगर हम नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सब का आंसर निकल गया। अब आप देख रहे होंगे, देखिए 56 48 से ज़्यादा है, फिर यहाँ पे निकला ये वाला 65 48 से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू आई 58 48 से ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू आई। लेकिन जहाँ पे वैल्यू कम है या बराबर है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ जीरो जो आ रहा है वो इधर की ओर आ रहा है और बाकी वैल्यू इधर की ओर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो किसी भी वैल्यू को आप मतलब टेक्स्ट न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला और चला सकते हैं। बाकी मैं आपको दोनों में अंतर दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ए वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जर्नल है, अगर जर्नल होता है या हर जगह देखिए जर्नल ही है, तो मैं अगर जर्नल होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप देख रहे हो कि ये वैल्यू राइट में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस जर्नल वाली वैल्यू को टेक्स्ट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 डालता हूँ तो ये वैल्यू लेफ्ट में आ रही है। मतलब राइट में जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल फॉर्मूले में होती है, फॉर्मेट में, और ये होती है टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट या नंबर फॉर्मेट में कैसे करें, उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सबसे आगे इफ है वहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा देंगे, वैल्यू। वैल्यू लगाने के बाद जब ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट, मतलब जो कौन सी वैल्यू है जो टेक्स्ट से आपको नंबर में करनी है। तो ब्रैकेट दोबारा एक बार और बंद करेंगे क्योंकि 3 ब्रैकेट ओपन हो गए हैं। अब मैं एंटर करता हूँ, अब आप इसे पकड़ के ट्रैक कर लीजिए। तो यहाँ पे जहाँ पे भी नंबर वैल्यू थी जो टेक्स्ट वैल्यू थी वो नंबर में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम आवर्स निकालें और किस तरीके से एक्स्ट्रा आवर्स निकालें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। अगर फिर भी दिक्कत या परेशानी आती है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।